Starting with the grateful name of Allah, who is the most merciful and the most mighty. This is my lecture number 11 of class 9th English. And today we'll continue unit number 3, Qaid, a great leader. But before starting today's text, I will explain difficult words which we will read today. In today's text, we will read that Qaid Muhammad Ali Jinnah was tired and far from well. It means he was ill and he was tired. Then we will read that he had the satisfaction of knowing that most of his work was completed. Therefore, he looked satisfied. Next, we will read that by the force of determination and leadership, a small defeated group who had no homeland had become the largest nation of the Muslims and fifth largest nation of the world. And then we will read those unforgettable words of Qaid Muhammad Ali Jinnah of his 11th August speech to the Constituent Assembly. तो आज का जो लेसन है उसमें हम जो पढ़ेंगे, सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब पाकिस्तान आए थे तो वो थके हुए थे और वो बीमार थे, और ये भी उनके उनकी परेशानी की एक वजह थी। और फिर इसके अलावा ये था कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो मुतमईन थे कि उनके काम का ज़्यादातर हिस्सा मुकम्मल हो चुका है, यानी पाकिस्तान बन चुका है। और फिर राइटर हमें उनकी कुव्वत के बारे में बताता है, कहता है कि बाय द फोर्स ऑफ डिटर्मिनेशन एंड लीडरशिप, कि उनकी मुसम्मम इरादे या पक्के इरादे की कुव्वत की वजह से और उनकी क़ियादत की कुव्वत की वजह से एक हारा हुआ ग्रोह का मतलब है मुसलमान। तो मुसलमान जो हैं जिनके पास कोई मुल्क अपना कहने को नहीं था, तो वो मुसलमानों की सबसे बड़ी कौम बन गई, मुसलमानों का सबसे बड़ा मुल्क बन गए, यानी मोहम्मद अली जिन्ना की लीडरशिप की वजह से और उनकी डिटर्मिनेशन की वजह से एक हारा हुआ ग्रोह मुसलमानों का सबसे बड़ा मुल्क बन गया और दुनिया की 5वें नंबर पे बड़ी कौम बन गया। और फिर उसके बाद हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की स्पीच के कुछ वर्ड्स पढ़ेंगे कि मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 अगस्त 1947 को जो स्पीच की थी, तो उसके बिल्कुल आखिर में मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि यू आर फ्री टू गो टू योर मास्क और यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स और एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप इन दिस स्टेट ऑफ पाकिस्तान। यू मे बिलोंग टू एनी रिलीजन, कास्ट और क्रीड, वी ऑल आर सिटीजंस ऑफ वन स्टेट। तो आज का जो लेसन है उसमें हम इन्हीं चीज़ों को ट्रांसलेट करेंगे, इन्हीं पॉइंट्स पे फोकस होगा हमारा। लेट्स आप आज़ाद हैं, आज़ाद रहें, आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपने इबादत गाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए आपका मतलब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामला से कोई ताल्लुक नहीं। Our first word is force. Force means power, quwwat. तो मोहम्मद अली जिन्ना की यहाँ पर दो कुव्वतों के बारे में आगे बयान कर रहे हैं, एक है determination और दूसरी है leadership. Determination का मतलब है पक्का इरादा, leadership कहते हैं रहनुमाई को। तो by the force of determination and leadership, यानी मोहम्मद अली जिन्ना अपनी leadership से यानी और डिटर्मिनेशन, इन दोनों फोर्सेस से क्या कर सकते थे। देखिए, तो पहला वर्ड है फोर्स यानी कुव्वत, पावर। नेक्स्ट वर्ड है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब है मुसम्मम इरादा, पक्का इरादा, पक्के इरादे की कुव्वत, मुसम्मम इरादे की कुव्वत जो है या अज़म,
अज़म भी कह सकते हैं। तो अज़म या पक्का इरादा जो है उसको हम डिटर्मिनेशन कहते हैं, यानी सॉल्व फर्म रिजॉल्व। नेक्स्ट वर्ड है डिफीटेड ग्रुप। यहाँ पर ये जो फ्रेज़ है डिफीटेड ग्रुप यूज़ हुई है, इसका मतलब अनसक्सेसफुल पीपल, यानी हारे हुए लोग, शिकस्त खोर्दा लोग। डिफीटेड ग्रुप का मतलब है शिकस्त खोर्दा लोग, हारे हुए लोग। तो ये मुसलमानों का कह रहा है, द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के जो मुसलमान जो थे हारे हुए लोग थे या शिकस्त खोर्दा लोग थे। लैंडेड, लैंडेड का मतलब है उतरना, जहाज से उतरना। तो कैम बाय एयर, वो आए थे किसके थ्रू, एयर के थ्रू। नेक्स्ट है टेम्पल। टेम्पल का मतलब है हिंदूज वर्शिप प्लेस, हिंदुओं की इबादतगाह। टेम्पल, हिंदुओं की इबादतगाह। तो मंदिर, इसको उर्दू में हम क्या कहते हैं, टेम्पल यानी मंदिर। नेक्स्ट वर्ड है कास्ट। कास्ट का मतलब है लाइनेज। लाइनेज का मतलब है या कास्ट का मतलब है खानदान, खानदान या नस्ल। नेक्स्ट वर्ड है रिमाइंड। रिमाइंड का मतलब है याद दिलाना, तो पुट इन टू द माइंड, याद दिलाना। सिटीजन्स, सिटीजन्स का मतलब शहरी, इनहेबिटेंट्स ऑफ द सेम एरिया, एक एरिए के लोग, एक एरिए के रहने वाले लोग। तो सिटीजन्स यानी शहरी। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि वी ऑल आर सिटीजन्स ऑफ वन स्टेट, हम एक ही रियासत के शहरी हैं। और आखिर में हम फ्रेज पढ़ेंगे आइज़ ऑफ अल्लाह, अल्लाह की नज़रों में, ठीक है, फॉर ऑलमाइटी, अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला के लिए या अल्लाह की नज़रों में। लेट्स स्टार्ट द टेक्स्ट, पेज नंबर 26, लास्ट पैराग्राफ। मोहम्मद अली जिन्ना वॉज एट दिस टाइम टायर्ड एंड फार फ्रॉम वेल। मोहम्मद अली जिन्ना उस वक्त थके हुए थे और बीमार थे। फार फ्रॉम वेल का मतलब है बीमार होना, यानी सेहत से दूर थे। वेल का मतलब है अच्छा होना, फार दूर, तो सेहत से दूरी, फार फ्रॉम वेल। तो मोहम्मद अली जिन्ना वॉज एट दिस टाइम टायर्ड एंड फार फ्रॉम वेल। मोहम्मद अली जिन्ना उस वक्त थके हुए थे और बीमार थे। बट ही हैड द सेटिस्फेक्शन ऑफ नोइंग दैट द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज वर्क वॉज डन। लेकिन उन्हें इस बात का इत्मीनान था, ये उन्हें ये बात जान के इत्मीनान था, या ये बात जानने का इत्मीनान था कि उनके काम का ज़्यादातर हिस्सा मुकम्मल हो गया, यानी पाकिस्तान बन गया था तो ज़्यादातर हिस्सा उनके काम का मुकम्मल हो गया था। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर भी है कि मोहम्मद अली जिन्ना को किस बात की सेटिस्फेक्शन थी। तो मोहम्मद अली जिन्ना को यही सेटिस्फेक्शन थी कि ही हैड द सेटिस्फेक्शन ऑफ नोइंग दैट द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज वर्क वॉज डन। तो उनको ये जानकर इत्मीनान हुआ था कि काम का ज़्यादातर हिस्सा मुकम्मल हो गया था। बाय द फोर्स ऑफ हिज डिटर्मिनेशन एंड लीडरशिप, तो अपनी मुसम्मम इरादे की कुव्वत और क़ियादत की कुव्वत के साथ, यानी यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना की इन कुव्वतों का जिक्र कर रहा है कि मोहम्मद अली जिन्ना की मुसम्मम इरादे या अज़म की कुव्वत और क़ियादत की जो कुव्वत है उनके साथ। अ पीपल हु हैड वंस बीन अ डिफीटेड ग्रुप, वो लोग जो कि एक वक्त में एक हारा हुआ ग्रोह थे, एक शिकस्त खोर्दा ग्रोह थे, मुसलमानों का कह रहा है। तो वो मुसलमान, वो लोग जो कि एक वक्त में एक हारा हुआ ग्रोह थे, विद अ लिटिल लिटिल टू होप फॉर, और उनमें बहुत कम उम्मीद थी। इन एन एम्पायर रूल्ड बाय अ फॉरेन पावर, वो एक ऐसी सल्तनत में रहते थे, एक ऐसी सल्तनत में जिसके ऊपर बैरूनी कुव्वत का कब्ज़ा था, या बैरूनी कुव्वत का राज था। रूल का मतलब राज होना, जिसके ऊपर राज था बैरूनी कुव्वत का। हैड बिकम द ग्रेटेस्ट ऑफ द मुस्लिम स्टेट्स, वो बन गए थे सबसे बड़ी मुसलमानों की रियासत। तो पाकिस्तान जब बना था तो मुसलमानों की सबसे बड़ी रियासत था। एंड द फिफ्थ लार्जेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया की पाँचवीं बड़ी कौम बन गया था। यानी पाकिस्तान जब बना था तो पाकिस्तान मुसलमानों का की सबसे बड़ी रियासत थी और दुनिया की पाँचवें नंबर की बड़ी कौम या बड़ी रियासत थी। 70 मिलियन पीपल, 70 मिलियन लोग, यानी 7 करोड़ लोग। हु वंस हैड नो कंट्री टू कॉल देयर ओन, जिनका एक वक्त में कोई भी मुल्क कहने को अपना नहीं था, यानी जिनका कोई भी मुल्क अपना नहीं था।
हैड बिकम अ नेशन, वो एक कौम बन गए थे। यानी 70 मिलियन लोग जिनका कोई भी मुल्क अपना नहीं था, वो क्या बन गए थे, कौम बन गए थे, विद ग्रेट आइडियल्स, बड़े अजीम नज़रियात के साथ, एंड ग्रेट फेथ, और बड़े ईमान के साथ, पुख्ता ईमान के साथ। एंड अ फ्यू डेज आफ्टर ही लैंडेड इन कराची, और चंद दिनों के बाद जब वो कराची में उतरे, तो कराची में उतरने के चंद दिनों के बाद मोहम्मद अली जिन्ना टोल्ड हिज पीपल, मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने लोगों से कहा, तो ये मोहम्मद अली जिन्ना का वो खिताब है जो उन्होंने किया था और बड़ा मशहूर खिताब है। उन्होंने कहा था, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, तुम आज़ाद हो अपने मंदिरों में जाने के लिए। यू आर फ्री टू गो टू योर मास्क, तुम आज़ाद हो अपनी मसाजिद में जाने के लिए, और एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप इन दिस स्टेट ऑफ पाकिस्तान, या किसी भी इबादतगाह की जगह पर इस रियासत पाकिस्तान में। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने यहाँ पर लोगों को रिलीजियस फ्रीडम दी थी सबसे पहले। उन्होंने कहा था, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, तुम आज़ाद हो अपने मंदिरों में जाने के लिए। यू आर फ्री टू गो टू योर मास्क, तुम आज़ाद हो अपनी मसाजिद में जाने के लिए, और टू एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, या किसी भी इबादत की जगह पे इन दिस स्टेट ऑफ पाकिस्तान, इस रियासत पाकिस्तान में। यू मे बिलोंग टू एनी रिलीजन, आप किसी भी मज़हब से तलक रख सकते हो, एंड कास्ट, और किसी भी नस्ल से या ख़ानदान से। वी आर All citizens of one state, हम तमाम एक रियासत के शहरी हैं, citizens शहरी हैं, of one state, एक रियासत के। He was of course reminding them, बेशक वो उनको याद दिला रहे थे। He was of course reminding them, बेशक वो उनको याद दिला रहे थे, of prophets sallallahu alaihi wasallam's teaching, नबी sallallahu alaihi wasallam की तालीमात। यानी बेशक वो उनको नबी sallallahu alaihi wasallam की तालीमात याद दिला रहे थे। That all men are equal in the eyes of Allah, कि तमाम लोग अल्लाह के नज़दीक बराबर हैं, या अल्लाह की नज़रों में तमाम लोग बराबर हैं। तो ये मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी स्पीच में फरमाया था कि तमाम लोग अल्लाह की नज़र में बराबर हैं। You can see कायदे मोहम्मद अली जिन्ना delivering speech. So this was our lesson. यहाँ पे हमारा लेसन ख़त्म हो जाता है, और यही हमारा लेसन नंबर 3 था। आपने यूँ करना है कि इसके होमवर्क में यूनिट नंबर 3 के, इसका नाम है कायद अ ग्रेट लीडर, आपने इसकी ट्रांसलेशन करनी है, क्योंकि अब तो हम सारा टेक्स्ट पढ़ चुके हैं, तो इस सारे टेक्स्ट की आपने ट्रांसलेशन करनी है, उसकी एक्सप्लेनेशन करनी है, और जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके इंग्लिश टू इंग्लिश और उर्दू मीनिंग्स देखें। तो आगे ग्लॉसरी में भी मैं उनको एक्सप्लेन करूँगा सारे वर्ड्स को, उनके मीनिंग्स को, और इस लेक्चर के शुरू में भी, बल्कि प्रीवियस लेक्चर के भी शुरू में मैंने यूँ किया था कि जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे उनके इंग्लिश और उर्दू मीनिंग्स आपको बताए थे। तो आपने यूँ करना है कि डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी देखने हैं, उनके मीनिंग्स देखने, यानी ग्लॉसरी देखनी है, और ट्रांसलेशंस करनी है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें एक्सरसाइज करेंगे, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज और ग्लॉसरी करेंगे। हैव अ वेरी नाइस डे।